What's up guys? आज हम देने वाले हैं मूवी रिव्यू ऑफ शमशेरा। अगर आप मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नया कोई भी अपडेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा। इस मूवी के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत था, लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद मूवी क्यों देखने गया ऐसा फील हुआ। क्योंकि मूवी देखने के टाइम तो मुझे नींद आ रही थी, बट घर जाने के बाद जब मैं सोने की कोशिश किया बट नींद ही नहीं आ रही थी। इस मूवी में एक सीन एपिक है, एक सीन क्या बहुत से सीन एपिक है, बट मुझे जो एपिक लगी वो है कौओं का जो ये झुंड रहता है, जो रणवीर कपूर के ऊपर और आसपास घूमते रहता है, उनका ही मेन रोल है क्लाइमैक्स में। आप देखोगे तब आपको खुद को पता चल जाएगा। कौओं का जो मेन सीन दिया गया है वो अमेजिंग है, देख के इतना हंसा हूं। मूवी को बहुत ही खींचा गया है और बहुत ही लंबी मूवी है, 3 hours 15 minutes का कुछ मूवी है, लेकिन जो मूवी खींचा है बहुत ही लंबा खींचा है, और क्यों खींचा है पता नहीं, तो इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग ऑन थिएटर्स। माना जा रहा है कि ये एक्चुअली हाई बजट मूवी है, टोटल 300 करोड़ इस मूवी पे खर्च किए हैं। इतने क्यों खर्च किए हैं पता नहीं, लेकिन जितने भी खर्च किए हैं सब पानी में। रणबीर कपूर का ये 4 years के बाद कमबैक है, और 4 years के बाद ये स्क्रिप्ट उन्होंने चूज किया है, विच इज रियली रॉन्ग। उनकी एक्टिंग, उनका प्रेजेंस वो अच्छा था, यस इट वॉज रियली गुड, बट शमशेरा उनके स्टोरी लाइन के हिसाब से मैच ही नहीं हो रहा है। ये मूवी बनाने से पहले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जब सोचा था तो ये सोचा था कि KGF को टक्कर देंगे, बाहुबली को टक्कर देंगे, एंड देन वो रॉकी भाई का KGF को टक्कर देंगे, बट दूर का कोसों दूर इनके पास ना ये आते हैं ना ये टक्कर दे पाएंगे। ये एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी है। इस मूवी को आप डेफिनेटली थिएटर्स में तो मत देखिए, और Amazon प्राइम में अगर रिलीज भी हुए, इस मूवी के लिए खर्चा करने की जरूरत है नहीं। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रहा है देन डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस मूवी, अच्छी खासी नींद आ सकती है अगर आप नेटफ्लिक्स या Amazon पे देख रहे हो तो। मूवी के जो इंसिडेंट्स है और स्टोरी लाइन है, इट्स एक्चुअली अ रियल बेस्ड स्टोरी लाइन जो 1871 के द्वारा ये मूवी का जो स्क्रिप्ट है उससे रिजेंबल करता है। इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो कम्प्लीटली गानों से भरा है। गाने इतने बोरिंग थे कि मूवी बहुत ही स्लो था। सोचा कि हाँ ठीक है, इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ पिकअप होगी, लेकिन फर्स्ट हाफ का स्टोरी लाइन अच्छा है, लेकिन गानों से भरे हुए इस मूवी में जो डायरेक्शन किया गया है वो एकदम बेकार है। ये जो मूवी है ये टिपिकल बॉलीवुड मूवी है, जो एकता कपूर के टीवी सीरियल्स के जो सीन्स रहते हैं ना, कि अभी ये होगा, अभी वहां से आवाज आएगी, अभी ये रिपीट होगा, कम्प्लीटली उसी तरीके से मुझे लगा कि इसके बीच में जो सीन्स है वो वही रिजेंबल करती है। मूवी देखने समय बार बार मैं वॉच देख रहा था कि कभी मूवी खत्म होगी, क्योंकि इतना बोर हो रहा था। आई वॉज लाइक कब खत्म होगी और कब गाने खत्म होंगे, कब क्लाइमैक्स बताएंगे, क्योंकि प्रेडिक्टेबल था मूवी। इनका जो स्टोरी लाइन था वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल था। संजय दत्त का रोल इतना है कि टोटल 3 hours 15 minutes का जो मूवी है उसमें 2 hours तो संजय दत्त को ही बताया है। तो एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन क्या करे, रोल ऐसा दिया गया है कि स्टोरी लाइन भी मैच नहीं हो रहा है और उनका जो प्रेजेंस है वो भी मजा नहीं आ रहा है। वीर कपूर का ऑल ओवर एक्टिंग अच्छी थी, उनका अपियरेंस जो था वो अच्छा था, तो डबल रोल प्ले किया है वो भी काफी अच्छा था, लेकिन क्या करे, स्टोरी लाइन और जो डायरेक्शन दिया गया था वो फ्लॉप हो गया। इस मूवी का जो स्टोरी लाइन है वो इतना प्रेडिक्टेबल है कि फर्स्ट हाफ में आपको पता चल जाएगा कि क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, और सेकेंड हाफ में जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ रहा है वैसे तो सब कुछ लाइक इट वॉज सो क्लियर कि मूवी का स्टोरी लाइन एक्चुअली है क्या, तो क्लाइमेक्स में उतना मजा नहीं था। सो ऑल टूगेदर इट वॉज लाइक डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने क्या सोच के ये कौओ का सीन डाला है, और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने क्या सोच के इंप्रेसिव लगा होगा कि ब्लॉक ब्लास्टर होने वाला है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। लाइफ में जितने भी मूवीज देखे हैं और उस मूवीज में जो एकदम खराब सीन्स है और जो उतने दमदार नहीं है, उन सब सीन्स का कंप्लीटली एक मूवी बना गया है, और वो है शमशेरा। डायरेक्टर करण मल्होत्रा को मूवीज डायरेक्ट करने की सौगंध लेनी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी, क्योंकि जो जिस तरह का मूवीज बनाते हैं, अगर करण मल्होत्रा का नेक्स्ट टाइम मूवी रहेगा आई डेफिनेटली मेक श्योर मैं तो देखूंगा ही नहीं, या फिर Amazon और Hotstar पे अगर आया है और नींद आने के समय मैं प्ले करता हूँ, इंटरेस्टिंग है तो देख लूंगा, वरना वो ब्रदर्स मूवी जो रिलीज हुई थी उस पर ही प्रेडिक्ट कर सकते थे कि वो कितना एपिक मूवी है। तो सेम डायरेक्टर, इवन दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग।
सबका एक्टिंग रोल अच्छी है लेकिन स्टोरी लाइन क्या करे ऐसा घटिया था कि सबकी एक्टिंग भी फीकी पड़ गई। जब मूवी देख रहा था तो नींद तो आ ही रही थी और जहां पे गाने प्ले हो रहे थे मोबाइल निकाल के मैं तो इंस्टाग्राम चेक कर रहा था और नींद नहीं आने के लिए ऐसे सब जुगाड़ करने पड़ रहे थे। बट जब मूवी खत्म हुई घर गया मूवी के बारे में जो सीन्स याद आ रहे थे वो सोच के मुझे नींद ही नहीं आई। ऐसे सब रिव्यूज देखने के बाद भी जिसको भी ये मूवी देखना है पहले जाइए, 3 hours 15 minutes का जो टॉर्चर है आप भी झेलिए जैसे मैंने झेला है। यू कैन डेफिनेटली गो।